हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्वि जगत सिद्धांत यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीव को जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल और पादप जगत यानी किंगडम प्लेनेट में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति है। नाम यानी स्पीसीज नेम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक जीव वैज्ञानिक विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों की जगत यानी किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा, पादप। सो थैंक यू।